आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस जजमेंट के खिलाफ, आज उस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के खिलाफ हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के 25 लाख अवाम अपनी हक़े हुद इरादियत के लिए, अपनी आजादी के लिए लाए अमल इंशाल्लाह हम तय करेंगे। सियासी लोग ये समझ जाए कि गिलगित बल्तिस्तान ना पहले पाकिस्तान का था, ना अब है, ना आइंदा बन सकता है, क्योंकि हम बाहर आ के चुके हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के 25 लाख अवाम के मुस्तकबिल का फैसला होना अभी बाकी है। अफसोस इस बात की है कि यहाँ पर बसने वाले 25 लाख अवाम न पाकिस्तानी है, न पाकिस्तान के शहरी है। जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं मिले, वहाँ कोई आईनी हक, कोई बेसिक राइट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलना मुश्किल है और पॉसिबल नहीं है। लिहाजा हम समझते हैं कि हमारा ये हक है कि हम UNCIP रिजोल्यूशन की बुनियाद पे यूनाइटेड नेशन, जहां से ये फैसला आया था, हम शायद वहां चले जाएं या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू करें, क्योंकि हमें इंसाफ नहीं मिला। हम इंसाफ की तलाश में आखिरी हदों तक जाएंगे।